बाप रे, हिमालय पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा लग रहा है। ऊपर पहुंच गए, अब देखता हूँ। अरे रे, क्या मस्त सो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा ही वेट कर रही है। अरे रे, गहरी नींद में सोई हुई है, कैसे उठाऊं? पानी छिड़क कर उठाता हूँ, चुपचाप उठ जाएगी, अपना काम बन जाएगा। वहाँ पानी है, ले लेता हूँ। देखो तुझे, बीवी उधर है और सास पे डोरे डाल रहा है, शर्म नहीं आती? नहीं पता चला। कैसे नहीं पता चला तुझे? अंधेरा था। तुझे आवाज नहीं सुनाई दी थी हमारी? सुनाई दिया था। फिर क्यों नहीं उठाया तूने? तुम्हारी बेटी ने कहाँ उठाने दिया, बिना सोचे समझे कपड़े की तरह धो डाला मुझे। हे भगवान, इन सब में कुछ कमी रह गई थी, अब किस लिए तू यहाँ पर आया है? क्यों आया पता नहीं चला क्या? अबे तू उसके लायक है ही नहीं, तुझे बताया था ना? वही साबित करने के लिए तो मैं आया हूँ। एक बात सुन, कितनी बार समझाया है 3,29,000 रुपया लेके आ, फिर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखना, समझा? ये कौन सा हिसाब है? हाँ वो ना, आटा पीसने वाला, एक इडली बनाने वाला, दूसरा आखिर में मुंह में डालने के लिए, तीसरा, हाँ इस सब का बंदोबस्त कर फिर आना। माँ जोर से मत चिल्लाओ, पापा सुन लेंगे। ए पागल, तू चुप कर, तुझे इस पर बहुत तरस आता है, ये तरस खाने लायक नहीं है, इसका थोबड़ा तो देख जरा। अच्छा चांस है हम दोनों भाग चले क्या? अरे मर गया। मीडिएटर बोल के इस घर में घुसा था, तुझे अच्छा सा पति दिलाऊंगा ऐसा बोला था ना? तुझसे बात करके तेरे लायक जोड़ी दिलाऊंगा ऐसा कहा था ना इसने? तुझे पटा के शादी भी कर ली इसने, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं इस पापी ने? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी बात तो समझो। अबे चुपचाप यहाँ से चला जा। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी? देख लिया ना जाने मन, मैंने पूछा कि क्या कर लोगी तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे गाल पर झापड़ जड़ दी तुम्हारी माँ ने। तुम्हारा ख्याल नहीं होता तो मैं तुम्हारी माँ को आज सबक सिखा देता, तुम्हारे पिताजी को बोलूँगा, वही तुम्हारी माँ को सबक सिखा सकते हैं। हमारे बीच में प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। आप रे, ये औरत है कि कसाई है, दामाद की इज्जत ही नहीं करती है, कैसा धो डाला मुझे इसने। अभी और पिटेगा क्या तू? मैं भी तुमको डरा सकता हूँ, तू अंदर चल, अगली बार आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जा। क्यों जी, हलवा नहीं है, फूल भी नहीं है। क्योरी, मेरी हालत तो देख, अयप्पा भगवान का व्रत रखने पर 48 दिन का उपवास होता है, लेकिन मैं तो 4 महीने से उपवास पर हूँ। अरे मैं शुतुरमुर्ग की तरह घूमते रहता हूँ, रोज रोज मर मर कर जीता हूँ, तुम्हारी माँ ने ऐसी हालत बना दी मेरी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ मुझे कुछ नहीं पता माँ, इन्होंने ये दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ बोल के यहाँ बुलाया था माँ। चुप कर, मुझे सब पता है। आज ये भद्रकाली मेरी क्या हालत बनाई पता नहीं। क्यों दामाद जी, क्या है सासू माँ, आज काम पे नहीं गए? आज हमारा काम बंद है सासू माँ। बंद मतलब? मालिक ने कहा कि आज के दिन काम नहीं करना है। तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? अरे बाप रे, चल यहाँ से। ये तो मेरे पीछे दिन की तरह पड़ी रहती है, जहाँ भी जाता हूँ पीछे आ जाती है और मार देती है। चल भगवान मुझे बचाओ, कहाँ जाऊँ, कोई बचाओ मुझे। अरे 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 अरे, ये क्या बच्चों की तरह चला रहा है? आज तक मैं साइकिल सीख ही नहीं पाया। ऐसे आदमी ही मुझे चाहिए। क्यों, काम क्या है? वहाँ देख, वो मेरी सास आ रही है, बैग में 10,000 रुपए लेकर आ रही है। ठीक है भाई, तू जाकर उससे वो बैग छीनकर भाग जा। हाँ भाई। फिर मैं तेरे पीछे चोर चोर करके चिल्लाते हुए भागूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, वहीं पर तू रुक जाना और वो बैग मुझे दे देना, मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा और मुझे बचेंगे सिर्फ 8,000। ये डीलिंग चलेगी ना? आपकी तो जय हो भाई। जल्दी से अपने काम पर लग जा। ये कौन सा काम करने जा रहा है तू? बैग छीने जा रहा हूँ भाई। तो उसके लिए बनियान क्यों उतारी तूने? भागते वक्त कोई मेरी बनियान पकड़ लेगा ना। हाँ, तू मेरे पास काम करने के लायक है, अब जा काम पे लग जा। एक नंबर का कार्टून है। ये क्या हो गया तुझे? आशीर्वाद ले रहा था भाई आपका। अरे आशीर्वाद मत ले, जल्दी जा वरना वो निकल जाएगी, मैं तुझे बहुत मारूंगा, जा। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अरे अरे क्या हो गया? मेरा बैग लेके वो भाग गया दामाद जी। भगवान की तरह तुम प्रकट हो गए, अब जाओ मेरा बैग लेकर के आओ दामाद जी। मुझे भगवान बोल रही है? अगर उस चोर को पकड़ कर बैग वापस दे दूंगा तो सासू माँ मुझे भगवान की तरह मानेंगी। सासू माँ, मैं अभी बैग लेकर आया।
धीरे धीरे भागेगा तो सासू माँ को शक हो जाएगा। कदे तो आप चाहते हैं कि मैं फास्ट भागू? यही ना, ठीक है मैं भाग जाता हूँ। तो बहुत तेज भाग गया, अब मैं सासू माँ को क्या जवाब दूंगा? अरे सासू माँ, वो आपके 10,000 रुपए लेकर भाग गया। अरे दमाद जी, उसमें पैसे नहीं थे, खाली पानी रखा था मैंने। क्या सासू माँ, आपने तो प्यारी से कहा था कि मैं घर से 10,000 रुपए लेकर बाहर जा रही हूँ। अरे तू तो घर के बाहर हर समय घूमता रहता है ना, वो मुझे पसंद नहीं था। मेरे घर से जाने के बाद तू मेरी बेटी के साथ पिक्चर देखने जाने वाला था ना, इसीलिए मैंने तुझसे झूठ बोला। ये मर्दों के दिल की बात पता नहीं औरतों को कैसे मालूम पड़ जाती है। भगवान दमाद जी, बोलिए सासू माँ। गाँव के वैद्य जी का घर जानते हो ना? जानता हूँ सासू माँ। वहाँ जाके पट्टी बंधवा के मेरे घर आ जाना, मेरा प्यारा चोर दमाद।